अस्सलाम वालेकुम। हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, ये बहुत ही मशहूर पुरानी दिल्ली का गोली कबाब है। तो इसके लिए हमने मटन लिया है 300 ग्राम और 80 ग्राम इसमें फैट्स है। देखिए इसमें फैट्स वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं, फैट्स है। तो ये मटन हो गया। ये बेसन है, 4 टेबल स्पून बेसन, एक अंडा, एक मीडियम साइज़ का ओनियन बड़ा बड़ा चॉप कर लिया, धनिया और पुदीना 1 कप पूरा भर के है, और इसमें है चिली पाउडर 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, और यह है चाट मसाला 1/2 टीस्पून। और आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। हम ग्रीन चिली स्किप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पाइसी के वजह से। और यहाँ है 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया। इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसे दरदरा कूट लेंगे, ठीक है। और इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो हम इसमें आपको सारा मसाला ऐड करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इसे अब हम चॉपर में चॉप करेंगे। तो पहले हम ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर इसमें ये सारा मसाला हम ऐड कर देंगे। इसे दरदरा कूट लेना है इसमें। इस तरह से ये देखिए ये हो गया है, इस तरह का कूटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, हम 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब इन सारों मसालों को हम इसको पीस के चॉपर में पेस्ट बनाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये मिक्सचर पीस के इस तरह से हुआ है, इस तरह से। जब ऑयल गरम हो जाएगा, हल्का गरम, ज़्यादा गरम नहीं, नहीं तो कबाब जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे लेके इस तरह से गोली बना लीजिएगा, इस तरह से हाथ की मदद से, और इस तरह से डालते जाना है। आप चाहे तो इसे टिकिया का शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए ये गोल्डन कलर हो चुका है,
तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और फ्लेम ऑफ करते हैं।